क्वालिटी टाइम विद रुबाब में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जो अपने हाथों की कमाल महारत से बेजान लकड़ी में जान डाल देते हैं। तो आइए फिर आपको इस फनकार के खूबसूरत शाहकार दिखाते हैं और उनसे उनके हुनर के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलीफा मोहम्मद इकबाल। अच्छा एक बात तो मुझे ये बताएं कि ये मतलब फ़न कैसे सीखा आपने, कैसे लगन पैदा हुई कि ये काम सीखूं मैं? मैडम पहले मेरे दादा को करते थे, उनके वाले साहब करते थे, फिर मेरे वाले साहब करने लगे, फिर उनसे मैंने ये काम सीखा। मतलब आपने अपने खानदानी काम था आपका, बड़ों से चलता आ रहा है, ठीक है। आपने अपने अबू से ये काम सीखा। अच्छा तो मुझे बताएं इस काम के ज़रिए दो वक्त की रोटी कमा लेते हैं आप, मतलब घर का गुजर बसर हो रहा है आपका? मैडम इस काम से घर का गुजर बसर नहीं होता, ये काम शौकीय तौर पर अगर कोई करना चाहे तो कर ले। अच्छा कोई इतनी इनकम नहीं है। आप कितना कमा लेते हैं इससे? जो ये इतनी सारी तस्वीर आपने बनाई हैं, कोई तस्वीर सेल भी हुई है आपकी, बिकी है कोई? मैडम कोई तस्वीर 6-7 महीने बाद कोई 70-80 हज़ार की बिक जाती है। अच्छा तो बाकी लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करके चले जाते हैं, बस ख़रीदार कोई नहीं इस काम। अच्छा मतलब कोई ख़रीदता नहीं, बहुत कम कोई लोग हैं जो इन्हें ख़रीदते हैं। कम लोग। सही है। तो ये जितनी भी आपने तस्वीर बनाई हैं किसी लाइब्रेरी में या किसी इवेंट पे लेके जाते हैं वहाँ पे? इस्लामाबाद में काफ़ी सारी एग्जीबिशन में लगाई हैं तस्वीरें, वहाँ पर सेल भी हुई हैं। अच्छा तो फैसलाबाद में तो कोई ऐसी एग्जीबिशन यहाँ पर नहीं है जहाँ पर माल तो ये तस्वीरें लगाई जाएँ, फनकारें लगाए जाएँ, जहाँ पर इनका सही मोल हासिल हो सके। कितने अरसे में बन जाती है एक तस्वीर? तकरीबन 3-4 महीने दरकार एक तस्वीर को। अच्छा 3-4 महीने, वो काम पे डिपेंड करता है किसका कैसा काम है। अभी ये जो पीछे तस्वीर बनी है ये आपने कितने अरसे में बनाई है? ये मैडम तकरीबन इसमें 2 महीने लगे। अच्छा उसको, और ये जो आप बना रहे हैं ये भी कंप्लीट हो रही है, अभी मुकम्मल ही हुई है, इसको कह रहे हैं आप मुकम्मल? कब से शुरू की हुई है ये आपने? ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया इसको। सही, तो कितने अरसे में और ये मुकम्मल हो जाएगी? इसको अगर मैं चाहूँ तो 4 महीने इस पर और लगा दूँ। सही, ऐसे 2 महीने तकरीबन लगेंगे इस पर, 2-3 महीने में ये मुकम्मल हो जाएगी। 3 माह में ये मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा मुझे बताएं कि आज के इस दौर में मजदूर से भी बुरे हालात हैं एक फनकार के, तो किस तरह आपकी ज़िंदगी का पहिया चल रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? मैडम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक गुजारा करे जा रहे हैं। बाकी अगर इस काम के हवाले से देखे जाए तो इस काम में कोई आमदनी नहीं है और ना मेरे पास इतना सासा सरमाया है कि मैं इनको कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इनकी एग्जीबिशन करूं। अगर मैं इतना सरमाया मेरे पास हो इसकी मैं एग्जीबिशन कर सकूं तो इसमें काम में बेनिफिट है। ठीक, बाकी मैंने जो सीखा है मैं उस हद तक, जहां पर ये तस्वीरें पड़ी हुई हैं जहां पर ये रखने के काबिल नहीं है, इनकी ये जगह नहीं है, तो ये कहीं अच्छी डिस्प्ले में लगाई जाए तो इसमें बेनिफिट है, इस काम में इनकम है। तो मैं तो मजबूरी के तहत सरमाया ना होने की वजह से मैं मजबूरन ये काम कर रहा हूँ। कोई एक आधी तस्वीर मेरी बिक जाती है कुछ 6-4 महीने में तो उससे बारह अल्लाह पाक निज़ाम चलाए जा रहे हैं। अगर इस काम के हवाले से देखा जाए तो इनकम जो है वो ज़ीरो है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ये काम छोड़ के कोई और काम क्यों नहीं कर लेते, मतलब जब आपको आमदनी ही नहीं आ रही, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो फिर ये काम क्यों आप कर रहे हैं? मैडम और काम में मेरा किसी काम में तजर्बा नहीं है, फिर मुल्क के हालात ऐसे हो गए कोई भी काम आप करें बगैर सरमाए के काम आप नहीं कर सकते। कुछ मैं बीमारी के हाथों मजबूर हो गया, मुझसे काम नहीं होता, टांग से नहीं चला जाता, कुछ मुझे सांस की ऐसी तकलीफ़ हो गई है कि वो सांस लेना दुश्वार हो जाती है, इसकी वजह से मैं लाचार हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि आज के इस दौर में इस काम की कदर है, मतलब कदरदान मिल जाते हैं आपको इस काम के? मैडम इस काम के कदरदान यहाँ पर नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर लगाई है तस्वीरें तो वहाँ पर इसके बेनिफिट है, इनकम है। गरीब आदमी इसको लेके बैठा रहेगा, सारी उम्र लेके बैठा रहेगा, जब तक गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं ना होगी तो इस काम में मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मैंने किया है बस लेके बैठा हूँ। अच्छा कभी किसी ने बुलाया है आपको इस काम के हवाले से कि मतलब आपके शाहकार देखे हों, आपकी बनी हुई पेंटिंग्स देखी हों,
आपको कोई इसी ने बुलाया, आपको कोई एजाज वगैरह किसी किस्म से आपका कोई किसी किस्म का मिला है आपको? मैडम ये काम 40 साल हो गए मुझे करते हुए, मुख्तलिफ हमने प्रेसिडेंशियल तस्वीरें बनाई हैं, हर मुल्क के सदर की तस्वीर बना के हमने उसको पाकिस्तानी इमाम की तरफ से तोहफा भेजा है। अच्छा। तो कई प्रेसिडेंट ने हमारे दावते किए हैं, कई उन्होंने चेक भेजे हैं, लेकिन वो उस दौरान वालिद साहब के सारा हैंड ओवर होता था, मैं काम करता था, वालिद साहब आगे इस काम को जो है लेके चलते थे। सही। तो किस किस मुल्क से आपको मतलब एजाज मिले हैं, कहाँ कहाँ आपने तस्वीरें भेजी हैं, कोई एक चंद एक नाम बताइएगा। सदर काबूस उमान का। अच्छा। उमान दारुस्सलाम का। फिर शेख जैद बिन सुल्तान हो गया, सऊदी अरब का हो गया, शाफाद हो गया। सही। फिर इराक के सदर ने हमारी पूरी फैमिली की दावत की थी, उसकी तस्वीर लकड़ियों में बनाई थी। अच्छा। तो वो तकरीबन 2 साल का अर्सा लगा के वो पोर्ट्रेट हमने तैयार की थी। इसी तरह अमेरिका हो गया, जॉर्ज बुश हो गया, बारबरा हो गई उसकी बीवी, उसके लेटर मौजूद हैं, उसकी हमने तस्वीर बना के भेजी। फिर उमान, जॉर्डन, किंग हुसैन और मलका नूर, उन दोनों की तस्वीर हमने बनाई, वो भी हमने गिफ्ट भेजी। यानी कि पाकिस्तान में अपने मुल्क में आपकी कोई कदर नहीं की गई, जबकि दूसरे ममालिक से आपको लोग बुलाते रहे, आपको काम आपके काम को सराहते रहे, आपकी तारीफ की, आपको इनामात दिए, लेकिन अपने ही मुल्क में आपके लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसा किसी तरह ये जी शहबाज साहब की तस्वीर, शहबाज शरीफ साहब तस्वीर लेने आए, शरीफ साहब की तस्वीर बनाई, तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा के शहबाज शरीफ साहब स्टेज पर नहीं जाने दिया, तो वो तस्वीर हमसे ली उन्होंने, ला के ले जा के उन्होंने बोला जी अपने पीए को इनका मसला हल करें। 1.5 साल हम लगे रहे कि हमारी कुछ फरियाद सुनी जाए, लेकिन वो जो वहाँ पर उसका पीए था, उसकी कोशिश थी कि मैं 50,000 लाख रुपया मुझे रिश्वत लगाएं जी, जी। तो मैं इनको आगे कहीं आर्ट गैलरी वगैरह की जो मंजूरी करा के दूँ। सही। यानी कि अपने आप जो अहदेदार हैं, अपने जो अपने मुल्क के लोग हैं, उन्होंने मतलब आपकी कोई कदर नहीं की, आपसे उल्टा पैसे लेने की कोशिश की है, आपको कोई प्लेटफार्म फ्राहम नहीं किया। अगर इनकी सरपरस्ती की जाए, एक अच्छा प्लेटफार्म इन्हें फ्राहम किया जाए, तो ये अपना टैलेंट और भी ज़्यादा दिखा सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कौन कौन सी लकड़ी आप इस्तेमाल करते हैं, और ये लकड़ी कहाँ से आपने हासिल की है, मतलब ये कहाँ कहाँ से लकड़ी इकट्ठे करते हैं? मैडम ये बड़ी लंबी कहानी है, लकड़ियों हमने बेशुमार कलर इकट्ठे किए हैं, अगर लकड़ियों के कलर और लकड़ियों के नाम में गिनता रहूं तो मुझे तो शाम पड़ जाएगी। चलिए कोई चंद एक आप हमें बताएं ना कि मतलब कहाँ कहाँ। अच्छा। गुलतास, अमलतास, गोल्डन, गोल्डन वुड, टीक, बर्मा टीक, गुलेहर, सुखचैन, अमलतास, इस तरह बेशुमार लकड़ियों के नाम हैं जो मैंने लकड़ियों के रंग इकट्ठे किए। कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए आपने, किस किस जगह पे जाके आपको ये तमाम लकड़ियाँ जो है वो मिली? मैडम लकड़ियाँ ये जो पुराने अंग्रेजों के दौर की बिल्डिंगें खत्म होती हैं जी जी, तो उनमें जो लकड़ी आती है वो हम कोशिश करते हैं कि वो लकड़ी हम यूज करें। फिर जो बाहर के मुल्कों से शिप आते थे, शिप में कुछ अलमारियाँ होती थी, कुछ वहाँ पे टेबलें होती थी, वो रिजेक्ट हो जाती थी, टूट जाती थी, तो उनमें हम वो लकड़ियाँ तलाश करते थे। फिर एयर होस्टेस, गैर मुल्की जो एयर होस्टेस हैं उनको हम तोहफे तायब दे के वो अपने बॉक्स में रख के वहाँ से लकड़ियों के नायाब कलर की लकड़ियाँ वो हमें ला के देते दे देती थी। और आपसे कोई मुआवजा भी लेते थे, उसके मतलब पैसे लेते थे आपसे, पैसों से मिली लकड़ियाँ? हम उनको तोहफे तायब देते थे, मतलब आप अपने हाथों से बने हुए शाहकार उनको देते थे, अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स उनको देते थे, तो उनके बदले में वो लोग आपको लकड़ी दे देते थे। तो जो आप पाकिस्तान से लकड़ी लेते हैं वो भी इसी तरीके से लेते हैं? पाकिस्तान से भी लकड़ी, अब देखा अगर कोई नई लकड़ी आई है, लाल कलर लकड़ी का है, एक लकड़ी तलाश करने गए गाँव के अंदर, वहाँ पर वो लाल कलर की लकड़ी थी और बहुत सॉफ्ट थी जी, और बड़ी लुक थी उस लकड़ी की। अच्छा। तो वहाँ पर जिस शख्स के पास लकड़ी पड़ी हुई थी उसकी मैंने पोर्ट्रेट तैयार की, पेंसिल पोर्ट्रेट तैयार की, वो मैंने उसको तोहफा दिया। सही। फिर उसने लकड़ी दी और उसके बावजूद भी उसने 5,000 रुपये इस लकड़ी के लिए। मतलब जो बाहर के ममालिक से चीज़ें आती हैं वो आपको सिर्फ आपकी पेंटिंग के बदले ही मिल जाती हैं, आपकी अपनी मेहनत के बदले, लेकिन अगर पाकिस्तान में आपको लकड़ी मिली भी है तो उसका भी आपको पे करना पड़ा है, पैसे लिए गए हैं आपसे। अच्छा अच्छा मुझे आप बताएं कि अगर आज के दौर में कोई ये काम सीखना चाहेगा तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैडम अगर तो सीखने वाला सरमाएदार है, जिस तो इस काम में बेनिफिट बहुत है। सही।
सही। अगर सीखने वाला गरीब है बेचारा, जिसके पास वसाइल नहीं है, तो इस काम का कोई बेनिफिट नहीं है। सरमाएदार सीखेगा तो वो अगर चीज़ें बनाएगा तो वो यूरोप मुल्क कहीं भी ले जाके उसकी एग्जीबिशन लगा के उसको सेल आउट कर सकता है। बाकी पाकिस्तान में अगर कहे कि इसका कोई स्कोप है इस काम का, पाकिस्तान में कोई फनकार को नहीं पूछता। पाकिस्तान में हाथ से बने काम की, मेहनत की, मुशक्कत की कोई कदर नहीं की जा रही। इकबाल काफ़ी जो है वो पाकिस्तानियों से, अपनी हुकूमत से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि किसी ने उनके लिए जो है वो कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर वाले कैसे देखते हैं इस काम को, कि वो आपको कहते हैं ये काम आगे करो या ना करो, किस तरह से, मतलब घर वालों का क्या कहना है इस बारे में? ज़ाहिर है वो यही कहते हैं छोड़ो इस काम को, दफ़ा करो, जब इस काम में बेनिफिट नहीं है, मुनाफा नहीं है, तो इस काम को क्या रखा है इस काम में। तो आप क्या कहते हैं? बस मैंने तो मैडम एक शौक और लगन में, इस लगन में काम सीखा है कि यार हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। सही। और इस लिहाज से हम बैनुल अक्वामी सतह पर हमने काम किया है, लेकिन जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से एजाजात मिलने चाहिए थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें पजीराई नहीं मिल सकी। अच्छा, मुझे बताएं ये जो आप बना रहे हैं अभी, ये पेंटिंग बना रहे हैं, तो इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इस पेंटिंग में? ये मतलब किसकी तस्वीर बनाई है आपने, और क्या स्केच कैसे बनाया, क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं इस पेंटिंग के ज़रिए आप? मैडम ये मुगलिया दौर के अकबर बादशाह हैं, ये शिकार पर जा रहे हैं। अच्छा, तो साथ में उनके सिपाही मौजूद हैं। ठीक, ये अपने घोड़े पर जा रहे हैं सवार। जी, तो आपने खलीफा इकबाल की बात सुनी, किन मुश्किल हालात में वो अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाए हुए हैं और हुकूमत की एक नज़र के मुंतजिर हैं कि कोई आए और इनको एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करे जहां पर ये अपना टैलेंट दिखा सके और अपनी ज़िंदगी के हालात जो हैं उनको बदल सके। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।